हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़ा रहे हैं। मैं हूँ आपका होस्ट सम्राट हूँ, लेके आगे आपके लिए न्यू वीडियो। और आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस बहुत सारे लीक्स और अपडेट के बारे में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे गाइस टू नाइट अपडेट के बारे में। तो गाइस जो भी वीडियो पे नए हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गाइस बनी बंडल के रिटर्न के बारे में, क्योंकि यार बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पे क्वेश्चन किया जा रहे हैं कि भैया राय स्टार वाला जो बनी है वो रिटर्न कब आएगा वो बताओ, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे बनी बंडल्स आ चुके हैं हमारे फ्री फायर में। तो भैया यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करते हुए यार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस बनी बंडल के बारे में, रिटर्न आने के बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी के साथ में बोलना चाहूंगा गाइस कि हाँ यार इसके चांसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन कोई कंफर्मेशन के साथ न्यूज नहीं आई है। तो भैया मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं बोल सकता कि हाँ भैया ये अगले हफ्ते आ रही है या फिर अगले महीने आ रही है, लेकिन यार आने के चांसेस निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं उस चीज को। साथ साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं समर इवेंट वाले बंडल के बारे में। एक्चुअली गाइस यहां पे फ्री फायर में समर इवेंट आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हाँ भैया नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में आप लोगों को समर इवेंट देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा इवेंट होगा गाइस, उसमें आप लोगों को ये बंडल देखने को मिलने वाला है। तो भाई लोग इस बंडल को आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा यूनिक और बढ़िया वाला बंडल है, बाकी देखने में तो ठीक ठाक लगता है। और गाइस मैं आप लोगों को इसके इवेंट के बारे में थोड़ी सी और डीप नॉलेज दूंगा थोड़ा सा आगे जाने के बाद, ठीक है। मतलब कि थोड़ा आगे वीडियो को देखते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को और इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइस आने वाले एक और न्यू बंडल के बारे में। एक्चुअली गाइस यहां पे ये वाला बंडल आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा यूनिक और बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट यहां पे रखा गया है इस बंडल के रिलेटेड। और भैया ये बंडल मुझे वन ऑफ द फेवरेट बंडल्स में से एक लग रहा है, इसलिए मुझे पसंद आ रहा है भाई लोग, क्योंकि गाइस ये बंडल काफी ज्यादा यूनिक है और बढ़िया भी है। यहां पे आप लोग देख सकते हो गाइस एकदम खतरनाक सा बंडल है और भाई रियलिस्टिक लुक है गाइस, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कोई भी गाइस यहाँ पे बबल वगैरह या फिर फायर वगैरह या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं दिख रही हैं, इसलिए मुझे ये बंडल्स काफी ज्यादा यूनिक और पसंद भी आ रहा है। लिटरली गाइस यही एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे पसंद आया। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं समर इवेंट के बंडल के बारे में। एक्चुअली गाइस समर इवेंट का पूरा कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख सकते हो गाइस, मैं आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए इस बंडल से रिलेटेड। सॉरी बंडल नहीं यार, पूरा का पूरा इवेंट ही है और भाई पूरे मैप को ही रीमैप कर दिया गया है। रीम नाम साइड में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलने वाली है जो कि काफी ज्यादा यूनिक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को नई देखने को मिलने वाली है। लिटरली गाइस यहाँ पे एक फुटबॉल भी आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग यहाँ पे मार मार के, मतलब वैसे तो फुटबॉल को पैर से मारा जाता है लेकिन आप हाथ से मार के भी गोल कर सकते हो। यहाँ पे वो फुटबॉल वापस आ जाएगा और वापस से आप लोग दूसरे साइड यहाँ पे गोल कर सकते हो, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। एंड भाई लोग हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यार दिवाली इवेंट के बारे में। एक्चुअली गाइस दिवाली में भी काफी ज्यादा टाइम है, लेकिन यार बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूंगा। और बहुत सारे लोग मुझे बंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, भैया पुराने वाले बंडल्स कब आने वाले हैं। तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूंगा गाइस दिवाली इवेंट का। भैया दिवाली इवेंट में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल सकता है गाइस, बहुत सारी चीज देखने को मिल सकती है। बहुत सारी गन स्किन वगैरह आप लोगों को रिटर्न में भी देखने को मिलने वाली है और यार देखो बहुत सारी चीजें आएंगी, लिटरली सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। चलो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और भाई आप लोगों के लिए ना बहुत सारा तगड़ा न्यूज लेके आया हूँ गाइस। तो आपके लिए ना इतने सारे अपडेट्स लेके आता हूँ गाइस, तो एक लाइक क्या है यार, एक लाइक तो बहुत सस्ती चीज है गाइस, आप लोग तो ऐसे दबा के लाइक कर सकते हो। तो फटाफट प्लीज यार जल्दी से हमारे हम गरीब को यार एक लाइक दे दो यार, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो मेरी जान, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, आप लोगों के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। चलो भाई ये बंडल्स को आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा यूनिक बंडल है और भाई मेरे को ये बंडल्स काफी ज्यादा यूनिक लग रहे हैं, क्योंकि भाई इसके जो बॉडी पार्ट है गाइस वो एकदम लिटरली राजा महाराजा वाला फील दे रही है, बाकी ठीक ठाक सा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इससे रिलेटेड। देन हम लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक फ्री के बंडल्स के बारे में। एक्चुअली गाइस यहां पे आप लोगों को फ्री बंडल पहले मिल चुका है और वो बंडल वापस आने वाला है, तो यार मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, बस मैं इतना ही बोलूंगा गाइस कि ये बंडल पहले आ चुका है और भाई ये सारे जो इवेंट मैं अभी दिखा रहा हूं ये इवेंट अभी आने में टाइमिंग है गाइस, यहां पे आप लोगों को सितंबर या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाले इवेंट्स हैं। इसमें आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है गाइस, तो हैलोवीन के टाइप आप लोगों को देखने को मिल सकता है, यह हैलोवीन का ही इवेंट आप लोग बोल सकते हो गाइस, ठीक है। और गाइस इसमें आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है आप लोगों के आंखों के सामने है भाई लोग, यहां पे आप लोगों को फ्री के बंडल्स एंड फ्री के आइटम्स देखने को मिलने वाले जो कि काफी ज्यादा यूनिक्स होंगे। और भाई साहब इसमें आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो कि गाइस यहां पे डायमंड में भी नहीं मिल सकता, यानी कि आप लोगों को बहुत सारे बंडल्स कम बैक होते हुए दिख जाएंगे। और यार मैजिक क्यूब में भी कुछ बंडल्स यहां पे अपडेट होने के चांसेस है, एंड यार मैंने आप लोगों को बताया ही था गाइस कि यहां पे
सारे अपडेट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे बाइक की स्किन को भी देख सकते हो जो कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है गाइज। अभी आप लोग ही कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि यार आप लोगों को क्या लगता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये ज़ॉम्बी टोकन्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और यार बहुत सारे मोड्स वगैरह भी आने वाली हैं। चलो भाई इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइज आने वाले यहाँ पे इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। एक्चुअली गाइज यहाँ पे अगर इमोट पार्टी इवेंट बोलूँ तो भैया वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। इसमें आप लोग मोको स्टोर लगा सकते हो। यार देखो भाई यहाँ पे चीज़ें चेंजेस हो सकती है, मैं आप लोगों को कन्फर्मेशन दे सकता हूँ गाइज, लेकिन भाई लोग कन्फर्म हो चुका है कि ये चीज़ें आप लोगों को कन्फर्म यार 110% भाई नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलने ही वाला है। यानी कि आप लोगों को ये सारे के सारे इमोट्स तो आने ही वाले हैं। हो सकता है गाइज किसी अलग इवेंट में आए, यहाँ पे मोको स्टोर में ना आए या फिर इमोट पार्टी में ना आए, किसी और इवेंट में आए, बट यार ये सारी की सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो भैया ये चीज़ तो कन्फर्म हो ही चुकी है कि भैया ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइज अगर सेम टू सेम मोको स्टोर में आ जाती है तो कैसे आप लोग इसको ले सकते हो। चलो भाई इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइज आइटम एक्सचेंज इवेंट के बारे में, जिससे रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो भाई मैं इसको आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाता हूँ। आपके पास पुराने बंडल्स जो पड़े हुए हैं, जो फालतू के बंडल्स हैं, उन बंडल्स के बदले में आप लोग इनसे डायमंड ले सकते हो और उन डायमंड का आप लोग नए बंडल में एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बहुत सारे लोग गाइज हमेशा मेल कैरेक्टर लेके खेलते हैं और उनके पास बहुत सारे फीमेल्स के बंडल्स पड़े होते हैं। तो भैया उन बंडल्स को यहाँ पे फेंक दो कचरे के भाव में, ठीक है। लिटरली गाइज एक दो बंडल रख लेना, बाकी आपकी मर्जी, अगर रखना है तो सब रख लो, मुझे क्या। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को अपना परसेप्शन बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं कभी भी फीमेल कैरेक्टर लेके खेल ही नहीं पाता भाई, मतलब मूवमेंट ही नहीं होती यार मेरे से। और बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त लोग हैं गाइज, वो लोग तो भाई क्या ही बोले, वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो भाई उनकी बात ही अलग है। बाकी मेरे ख्याल से भाई जो पुराने बंडल्स हैं उन लोगों को हटा दो और भाई उसके बदले में डायमंड ले लो और डायमंड से कुछ अच्छी चीज़ें खरीद लेना। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, ठीक है। लिटरली गाइज बहुत ज़्यादा ऑसम वाला इवेंट है, ठीक है। अभी इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गोल्डन सीड बंडल के बारे में। एक्चुअली गाइज इससे रिलेटेड ना बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है कि यार अगले वीक तक ये आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों मुझे ये कमेंट करके पूछे हैं कि भैया अगर अगले हफ्ते नहीं आती है तो क्या। तो भाई यार थोड़ा सा वेट और कर लेना यार, अगले हफ्ते नहीं तो एक दो दिन बाद आ ही जाएगी यार। 100% कन्फर्म है भाई कि गोल्डन सीड आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि यार ये वाला जो फायर वाला बंडल है भाई लोग, ये वाला फायर वाला बंडल आप लोगों को मैंने दिखा रखा है पहले ही, और भाई ये बंडल अगर यहाँ पे ऐड होता है हमारे फ्री फायर में तो जाहिर सी बात है गाइस कि एक बंडल हमारे फ्री फायर में कभी भी गरीना नहीं देना चाहती, क्योंकि यार उसको भी पता है भाई कि एक बंडल निकालने के लिए वो लोग ज़्यादा टॉपअप या फिर स्पेंड नहीं करने वाले, तो इसलिए सारे बंडल्स रिटर्न देंगे, तो चिंता मत करो। इसके साथ आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं समर बंडल के बारे में। एक्चुअली गाइज ये बंडल मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया था पहले ही, लेकिन गाइज यहाँ पे मेल के साथ फीमेल बंडल भी है एंड गाइज यहाँ पे एक सपोर्ट की स्किन भी है, तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना गाइज कि वो बंडल अलग मिलेगा क्या, ये बंडल अलग मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जहाँ तक मुझे पता है गाइज कि ये बंडल फीमेल बंडल जो आप लोग देख सकते हो गाइज वो आप लोगों को फ्री देखने को मिल जाएगा। बाकी मेल बंडल के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत टॉपअप देना पड़ेगा यार गरीना को, मतलब थोड़े बहुत तो डायमंड लेगा ही भाई, इतना तो कन्फर्म है। मैं तो 100% बोल सकता हूँ कि हाँ यार डायमंड पे ही आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइज कि मेल वाला बंडल ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर फीमेल वाला। लिटरली गाइज मुझे मेल वाला बंडल ही पसंद आता है, लेकिन भाई लोग सबकी अलग अलग पसंद होती है, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है। इसके साथ हम लोग आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं गाइज एके रिटर्न के बारे में, ईवो एके रिटर्न के बारे में। एक्चुअली गाइज बहुत सारे लोग मुझे कोबरा MP40 के बारे में पूछ रहे थे, भैया कोबरा MP40 रिटर्न आएगी कि नहीं। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है गाइज कि कोबरा MP40 तभी रिटर्न आ सकती है जब कोबरा बंडल रिटर्न आए। तो भैया कोबरा बंडल से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज निकल के आई थी, जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बता ही दिया था। और भाई लोग जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी, भाई मैंने जैसा कि उस इवेंट के बारे में बताया था सेम टू सेम इवेंट आया है गाइज। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना और उसके बाद आप लोग आज का इवेंट तो भाई आ ही गया यार, जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई इसके साथ आगे चलते हैं, ब्लैक जर्सी के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। तो भैया ब्लैक जर्सी एकदम ओपी वाला सीन है गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ इसके चांसेस निकल के आ रहे हैं, ये भी आप लोगों को रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। मेरे ख्याल से गुड न्यूज ही बोल सकता हूँ यार, क्योंकि मेरे को ब्लैक टी शर्ट और व्हाइट टी शर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली गाइज मुझे ब्लैक ज्यादा पसंद है, व्हाइट उतना कुछ खास पसंद है नहीं, बट यार लोगों को पसंद होता है यार, अब मैं क्या बोल सकता हूँ इस पर। लेकिन गाइज यहाँ पे और भी चीजें हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना गाइज कि आप लोगों को इन सारी चीजों में से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है। लिटरली गाइज मेरे ख्याल से काफी ज्यादा अच्छी
अच्छी चीज़ें हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आप लोगों को इतने सारी चीज़ों में से कौन सी चीज़ पसंद आई है। बाकी यहाँ तक कि मैंने वीडियो आप लोगों को क्लियर कर दी है, फिर भी आपके कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्यूरीज रह जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लव यू गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस।